आज प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे हमारा ग्रीन्स में ना। हमारा ग्रीन्स कैट 6 कैमरा पे एनालॉग कैमरा कैसे चलाते हैं, इसके लिए हम आज का ट्यूटोरियल देंगे। एनालॉग कैमरास कैसे चलाते हैं, इसके लिए आपको टू कोर इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर जिस पे हमने अडैप्टर कनेक्ट करने हैं सीसीटीवी कैमरा के पास, जहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है कैमरा, तो वहाँ पे हमने अडैप्टर लगाने हैं टू कोर वायर के साथ। ठीक है, इसमें हमें बिजली ट्रैवल करनी है इस वायर के अंदर। ठीक है, तो और ये कैट 6 वायर है, इसमें हमारे चार पेयर होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और चॉकलेट, है ना। तो एक पेयर पे एक कैमरा हम चला सकते हैं इसमें वीडियो बलून के साथ। ठीक है, बीएनसी की जगह हमने यहाँ पे वीडियो बलून यूज़ करना है। तो अब ये कुछ इस तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग की है हमारी इस सोसाइटी में, और हमने अब वायरिंग डालने के बाद यहाँ पे ये लूप छोड़ती है, जैसे कि हमने ऑरेंज पेयर यहाँ पे निकाल देना है, आगे ब्लू पेयर निकाल देना है और उसके आगे चॉकलेट पेयर। ठीक है, इस लूप में हमने यहाँ पे वायर छोड़ दी है, ये कंटिन्यू जा रही है वायरिंग सारी। एक्चुअली डिस्टेंस ज़्यादा था इस वजह से हमने इसका यूज़ किया, और कॉस्ट कटिंग की वजह से तो ये यहाँ तक आ गया वायर। इस सोसाइटी में कैमरा लगा, ये कुछ इस तरह से वायरिंग यहाँ पे हमने खोल लिया। फिर से अब कैमरा लगाने का टाइम आ गया। तो अब ये जो पिछले रूट से यानी डीवीआर के पास से जो वायर आ रही है, उस वायर में से हमने एक वायर निकाल ली है। ठीक है, जैसे अब जिस वायर में ये थोड़ी सी कंडीशन ऐसी कि पिछली साइड से आ रही है हमारे डीवीआर के पास से, ये वाला सीधा, तो इसमें मैंने डबल टेप लगा लिया, और इसमें से मैं एक पेयर यूज़ कर लूँगा इस साइड से। ठीक है, इस साइड से सपोज़ मैं ऑरेंज पेयर यूज़ कर लेता हूँ, मैं सीरीज वाइज चखता हूँ, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और चॉकलेट। तो मैं पहले ऑरेंज पेयर चखूँगा यहाँ से, अगले कैमरे के लिए इस रूट से जो आगे जा रही है वायर, उस पेयर पे मैं अपना ग्रीन पेयर यूज़ करूँगा, फिर उसके आगे वाले पे ब्लू पेयर यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मैं अपने आप को यूज़ कर सकता हूँ इस वायर को। मैंने यहाँ से वायर कट की, मतलब ऊपरली लेयर जो है ना वायर की कोटिंग, वो कट की, वहाँ से मैंने ऑरेंज वायर कट करके इस साइड से निकाली जो हमारी पिछली साइड से आ रही है डीवीआर की साइड से। ठीक है, तो अब हमने इसमें हमने वीडियो ब्लून यूज़ करना है इस वायर में, ऑरेंज पेयर में। ठीक है, और इसमें हमने अडैप्टर यूज़ करना है, नियर बाई पॉइंट से अडैप्टर की सप्लाई देंगे तो ही हमारा यह कैमरा वर्क करेगा। अगर आप सोचें कि एक बैक एंड से हमने सप्लाई से पावर देनी है, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका ये कैमरा वर्क नहीं करेगा, उसमें लाइनिंग या डिस्टर्बेंस होंगी, हो सकता कैमरा ही ना चले। पेयर यूज़ कर लिया है यहाँ पे ना, तो बैक एंड से ये वायर आ रही थी डीवीआर की साइड से, जिसमें दो टेप लगी है, इस साइड से हमने तार निकाली और ये ऑरेंज पेयर हमने यूज़ कर लिया इसमें। ठीक है, ऑरेंज पेयर हमने पॉजिटिव रखा है इसमें, सॉरी ऑरेंज डार्क, ठीक है, और वाइट, ऑरेंज वाइट जो है हमने नेगेटिव रखा है इसमें। तो सेम एज इट इज़ डी वी आर एंड पे भी हम कर देंगे सीरीज़ में ऐसे ही ना। इसी तरह से हमने इसकी जो बिजली की सप्लाई है उसके भी कनेक्शन देने अडैप्टर के साथ, और इसमें से डीसी पिन निकलेगी वो कैमरा के साथ अटैच करनी है। यहाँ से बीएनसी आउट हो गया ये वाला ना, वीडियो बलून का भी बीएनसी आउट हो गया, तो यहाँ से कैमरा को दे देना है। अब ये जो जंक्शन बॉक्स है इसका ध्यान रखें कि इसको वाटरप्रूफ वाला ही यूज़ करें, अदरवाइज इसमें क्या होगा कि बरसात आएगी, पानी एंटर होगा और अडैप्टर सड़ेगा, पूरी लाइन में ही आपके सप्लाई में आग लग जाएगी इसमें वायर्स के बीच में ना, और अडैप्टर सड़ेंगे और डीवीआर वगैरह सब में नुकसान हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप वाटरप्रूफ वाली सप्लाई रखें, और काम ऐसा करें कि आपको, जैसे ये मैंने वायर एंटर किया निचली साइड से किया है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि मतलब पानी जाने का चांस ही ना रहे। हम डीवीआर के पास वायर्स आ चुकी हैं, तो इसके बाद हमने इनको कट कर लेना है वायर्स को सिरे के हिसाब से। देखिए एंड में मैंने अपनी सभी वायर्स ऐसे बना लिए, यहाँ पे देख पाएंगे तो कुछ इस तरीके से। अब मैंने सभी वायर्स के बीच में से ना एक एक पेयर स्पेयर रखा है, ताकि इन फ्यूचर मेरी कोई तार ख़राब हो तो मैं उसमें यूज़ कर सकूँ इस पेयर को। ठीक है, तो आपको इतनी लंबी दूर तक की वायर दोबारा डाल देना पड़े। तो अब ये मैंने जैसे चार तारें डाली हैं, देखो इसमें सभी में एक एक पेयर मैंने खाली रखा है। ठीक है, इसमें से मतलब 12 कैमरे मैंने टोटल यूज़ किए हैं चार तारों में। अब ये वीडियो बलून कुछ इस तरीके से हैं, सेम डी वी एंड पे पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने डार्क कलर पॉजिटिव लिया है, फीका कलर जो है वो मैंने नेगेटिव लिया है, उसमें सेम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
है। अब ये जो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जब आप सप्लाई दे रहे हो इसकी, जो हम टोकर वायर हमने यूज़ किया अडेप्टरों के लिए, तो आप यूपीएस के थ्रू दें। कभी इन फ्यूचर कोई अडेप्टर शॉर्ट होता है बीच में से, तो स्पार्क करके पूरी तार ना सड़ा दें। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप यूपीएस के थ्रू दें। अगर ये ओवरवोल्ट है या कुछ तारें आपस में चिपक जाती हैं कहीं पे, या अडेप्टर शॉर्ट होता है या कुछ भी है, तो ये यूपीएस जो है ऑन ही नहीं होगा। अगर आप जब कभी किसी कंडीशन में यहाँ पर दोबारा आए, आप देखें कि यूपीएस ऑफ है, तो बजाय उसको ऑन करने के आप ये चेक करें कि जो आप जिस अडेप्टर जिस मतलब टोकर वायर में आप सप्लाई दे रहे हैं, वो कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है। यूपीएस ऑन करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें, इन फ्यूचर अगर कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो। हमारे ये देखो डीवीआर भी एकदम कोई ज़्यादा हैवी तामझाम अंदर नहीं है, सिर्फ यह कैट सिक्स वायर अंदर आई है और ये रैक है। और ये कैमरा हमारे कुछ चले हुए हैं कुछ की, मैंने अभी ये मैं इसको सीरियल वाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और विदाउट किसी लाइनिंग विदाउट किसी झिलमिल ये प्रॉपर चल रहे हैं। मैंने इसको 2 दिन ऑन भी रखा। फाइनली गाइस हमारी ये साइट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने वायरिंग की फिनिशिंग देखी हुई इतनी अच्छी से दी है कि किसी भी सोसाइटी वाले को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। सोसाइटी में इतने सारे लोग होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, बट लेकिन किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा हमारी वायरिंग को लेके, क्योंकि हमने वो एकदम स्ट्रेट लाइन में की है स्टार्टिंग टू एच तक। और जो जंक्शन बॉक्स हैं, ज़रूर आप ध्यान रखें कि वो वाटर प्रूफ वाले यूज़ करें ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना आए। सीसीटीवी कैमरा की जो वायर है जो हम इस पाइप को लेके जा रहे हैं, वो एक सेम सिमेट्री में हम लेके जाए हैं, जिससे कि सोसाइटी वाले के कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कल को कोई ये ना बोल सके कि हमारी जो मतलब जो घर की शो है वो थोड़ी ख़राब होगी। अभी इनको लग रहा है कि इनके घर का कोई पार्ट है।